आज हम शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो सुनील सिंघानिया जी ने अर्ली ईयर्स में खरीदे और उनकी वेल्थ को कंपाउंड कर गए तो पहला स्टॉक जिस पे हम फोकस करेंगे वो है बजाज फाइनेंस उनसे पूछा गया कि अगर बजाज फाइनेंस बात करे तो वो 2008 में ऑलमोस्ट डूब गया था तो आपने बजाज फाइनेंस को स्पॉट कैसे किया इतनी जल्दी उनका जवाब था कि आप अगर बजाज फाइनेंस की बैलेंस शीट देखें उस टाइम की तो उनके पास यूज ग्रॉस एन थे क्योंकि वो एक टू व्हीलर फाइनेंसिंग कंपनी थी और बजाज ऑटो स्कूटर्स की कोई रीसेल वैल्यू नहीं थी तो इसलिए जब बजाज फाइनेंस के लोन पे कोई डिफॉल्ट करता था तो उसका स्कूटर ले लिया जाता था तो वो फिर भी उससे 50 परसेंट से ज़्यादा बेच नहीं पाते थे इसलिए इनका एन यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत बढ़ गया था लेकिन जैसे जैसे वो डीप में गए उन्होंने नोटिस किया कि फैक्ट्रिंग यूज राइट ऑफ्स के बाद भी कंपनी 2007 से 2009 के बीच में सस्ती थी सुनील सिंघानिया जी की एक फिलॉसफी थी उस टाइम पे कि बाय कंपनी एट अ मार्केट कैप विद अ पोटेंशियल द नेट प्रॉफिट कैन बी इक्वल टू द मार्केट कैप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो पहली बार जब उन्होंने बजाज ऑटो को देखा तो वो थे 400 करोड़ पे लेकिन उनमें पोटेंशियल था कि वो अगले पाँच साल में 500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लेते तो वो थॉट प्रोसेस था इसलिए सुनील सिंघानिया ने वो खरीदा जब उन्होंने फर्स्ट क्यू किया तो उन्होंने अपना एक्सपोजर आठ से नौ परसेंट बढ़ा दिया लेकिन ये कुछ उन कंपनीज़ में से थी जिनको उन्होंने जल्दी खरीदा और जल्दी बेच दिया प्रॉफिट्स कमाकर सुनील सिंघानिया जी इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि सेकेंड या थर्ड इन्वेस्टर होना बेटर है इंस्टेड ऑफ़ फर्स्ट इन्वेस्टर क्योंकि सकेंड या थर्ड इन्वेस्टर कम्प्लीटली कन्विंस होने के बाद ही किसी में घुसता है और इसलिए उनका होल्डिंग पीरियड भी लंबा रहता है जब आप फर्स्ट इन्वेस्टर होते हैं तब आप अपना पैसा दो गुना या तीन गुना करते हो लेकिन उसमें से बुक आउट करने का एक नेचुरल इंस्डेंट आता है आपको दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगला सवाल उनसे पूछा गया कि वो आयशा कंपनी में कैसे इतनी जल्दी आए उनका जवाब था तो आयशा 2009 में खरीदा था और फिर से अगर आप इसकी फाइनेंशियल्स की बारीकी में जाए तो पहले तो उनकी हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं थी उनका एक ट्रैक्टर बिजनेस था जो उन्होंने बेच दिया था उनकी टू व्हीलर्स भी ज्यादा से ज्यादा तीन हजार या चार हजार बिकती थी एक महीने में जो ट्रक बिजनेस था वो अभी ठीक से शुरू हुई हुआ था क्योंकि वो अपनी कंपनी में वॉल्वो लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन एक चीज़ सुनील सिंघानिया जी को पॉजिटिव रखा वो था सिद्धार्थ लाल जो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव आदमी था और दूसरा था कि वॉल्वो ने 46 परसेंट ट्रक्स वेंचर में बाय किया था और उसको 50 परसेंट बनाने के लिए उन्होंने 8 परसेंट लिस्टेड कंपनी में लिया एट सम क्रेजी प्राइस अराउंड सिक्स सेवेंटी फाइव रुपीज़ और सो प्रमोटर ने क्या किया उन्होंने बायबैक अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि वो एक्स परसेंटेज वॉल्वो का बेच रहे हैं एट सिक्स सेवनटी थ्री रुपीज़ तो उन्होंने सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अलाउ किया वाया बाय कि वो पार्शली एग्जिट कर ले एट सिक्स सेवेंटी थ्री रुपीज़ टेक्निकली स्टॉक प्राइस कुछ 230 से 240 था कुछ 13 से 14 परसेंट बाईबैक में जाने वाला था एट सिक्स सेवेंटी थ्री तो सुनील सिंघानिया जी को एक बैलेंस बिजनेस मिल रहा था एट वन फोर्टी और वो एक डेट फ्री कंपनी की तरह थी दोस्तों इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आप बुक्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दी हुई है उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपने टी मोटर कैसे स्पॉट किया इतनी जल्दी तो सुनील सिंघानिया जी के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें उन्हें अलग लगी पहली कि इंडिया में जनरली टू व्हीलर्स या मोटरसाइकिल मार्केट एक थ्री प्लेयर या फोर प्लेयर मार्केट है पहले थ्री प्लेयर मार्केट था पहले हीरो होंडा थी अब आपके पास बजाज और टी है और जब आप सेल्स टू मार्केट के रेशियो देखते हो टी जो है वो डेसिमल ऑफ सेल्स में था पॉइंट वन टाइम सेल या पॉइंट वन फाइव टाइम सेल्स एक ही कंसर्न था टी मोटर का कि उसकी लो मार्जिनस थे और उनके इंडोनेशियन वेंचर्स से जो लॉसेज हुए थे वो ये दो चीज़ें मार्केट को सप्रेस कर रही थी लेकिन ये एक पेशेंस का गेम है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी और थ्री प्लेयर मार्केट में आपको टू प्लेयर नहीं मिलेंगे जो अठारह से उन्नीस परसेंट मार्जिन बना रहे हैं और तीसरा दो परसेंट मार्जिन बना रहा हो तो टी भी सात से आठ परसेंट मार्जिन से बढ़ रहा था जो बाकियों से अभी भी कम है लेकिन वो मार्केट के लिए इनफ था डिस्काउंटिंग करने के लिए तो वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन ग्रोथ था रीजन बाय करने का और सेल्स टू मार्केट कैप एक थ्री प्लेयर मार्केट में बहुत चीप था टी मोटर का बिजनेस हमेशा से स्टडी और ग्रोइंग ही था उनके सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा कर रहे थे और उनके मार्जिन बढ़ रहे थे और उनके लिए जिपिटर वो एक प्रोडक्ट था अगला सवाल उनसे पूछा गया कि आपने जे इन्वेस्टमेंट के बारे में दो से दो में कैसे सोचा तो सुनील सिंगानिया जी कहते हैं कि वो ये कंपनी जब ब्रोकिंग साइड पे थे तब भी ट्रैक करते थे ये उन कंपनीज में है जिनको कोई नहीं देखता ये कंपनी कभी पब्लिक नहीं गई ये एक स्पिन ऑफ थी जिंदल स्टील कंपनी की तो वो जिंदल स्टील का डिवीजन था और जब चार जिंदल ब्रदर्स में से सबसे छोटा भाई बिजनेस में आया तो उन्होंने एक छोटा पार्ट जिंदल स्टील का जो था स्पॉन्ज आयरन वो निकाल दिया और नवीन जिंदल को दे दिया उस टाइम पे शायद मार्केट कैप 250 या 260 करोड़ था और कंपनी 50 से साहठ करोड़ का नेट प्रॉफ़िट बना रही थी लेकिन 150 करोड़ का कैश प्रॉफिट था और बहुत ही एविली इन्वेस्टेड थी वो केपेक्स में तो बहुत से इन्वेस्टर्स पहले ही निकल जाते थे क्योंकि उनको समझ नहीं आता था कि इस साइज़ की कंपनी कैसे एक्सपेंशन करेगी पाँच से छः करोड़ का लेकिन दो तीन चीजें हुई पहली तो मेटल्स की साइकिल ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई और ये कंपनी पता नहीं लग था या फोरसाइट कंपनी के पास सारे इंग्रेडिएंट्स थे चाहे वो कैप्टिव कोल ब्लॉक्स और कैप्टिव आयरन ब्लॉक्स हो तो अगर साइकिल जैसे थी वैसे ही चले तो वो बिगेस्ट बेनिफिट में होते हम बात करें कि सुनील सिंघानिया जी ने उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचा तो जे कभी भी आई के रूप में नहीं आई वो जिंदल स्टील की ब्रांच आउट कंपनी है तो जब चार जिंदल ब्रदर्स में सबसे छोटा भाई बिजनेस में आया तो उसको बिजनेस देने के लिए स्पॉन स्पॉन्चा बिजनेस निकाल दिया और फिर ये कंपनी लिस्ट हुई एज फ्री शेयर टू जिंदल स्टील शेयर होल्डर्स जैसे पहले भी बताया कि मार्केट कैप 250 से 260 करोड़ था और ये कंपनी 50 टू तो 60 करोड़ नेट प्रॉफिट बना रही थी और 150 करोड़ का, का कैश प्रॉफिट कंपनी के उसके अलावा भी ह्यूज एक्सप्लशन प्लान्स थे और उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स डरते थे कि क्योंकि 300 से 400 करोड़ की कंपनी 500 करोड़ से हज़ार करोड़ की एक्सपेंशन की बात कर रही है तो सुनील सिंघानिया जी कहते हैं कि उन्होंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि वो चीप था कंपनी के पास पहले से ही रिसोर्सेज थे उनके पास कोल ब्लॉक आयरन और ब्लॉक था और दो के बाद से ग्लोबल कॉमोडिटी साइकिल पूरी टर्न हो गई थी और उनका एक्सपेंशन का प्लान इसलिए इतना एक्साइटिंग था क्योंकि उनके पास इनहेरेंट रिसोर्सेज थे और ये सब चीज़ें ऐड होती गई